गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बिग ड्रीम्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं खड़ी हूँ अपने किचन में क्योंकि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी बहुत सारी टिप्स जो कि हर एक को वर्किंग वुमेन या जो भी नॉर्मली घर पे स्टे करती हैं, अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आपके आपकी लाइफ में एक डिफरेंट चेंजेस आपको नज़र आएंगी, प्लस आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा खुद के लिए। तो आप अगर इस सब चीज़ों को फॉलो करेगी तो डेफिनेटली ये होगा। तो इसी के साथ मैं अभी कुक करने जा रही थी, भिंडी और रोटी बनाने वाली हूँ डिनर में। तो मैंने सोचा हर हमेशा आप देखते हैं अम्मी को कुक करते हुए, तो आज मुझे देखिए, मैं भी बहुत अच्छा कुक करती हूँ लेकिन होता क्या है, कोई मेरे पास अभी प्रॉपर स्टैंड नहीं है क्योंकि मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है। पहले मुझे देखना है लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आता है, फिर मैं धीरे धीरे जो भी चीज़ें यूजफुल होंगी ये डेफिनेटली मैं परचेज करूँगी। तो जैसे कि कहा मेरे पास स्टैंड नहीं है और इवन दो कोई ऐसा भी नहीं है जो हर हमेशा मेरी मतलब वीडियोस जो भी मैं बनाती हूँ वो वीडियोस ले, क्योंकि मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मुझे चाहिए कि मैं प्रॉपरली शेयर करूँ। इसलिए मैं वहाँ चले जाती हूँ, जब भी कुछ कुकिंग वगैरह ये वीडियोस अपलोड करना है तो मैं उनके घर पर जाती हूँ, वहाँ से आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो किचन टिप्स मैं खुद जो भी इस्तेमाल करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ना मेरे फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे हर हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम ट्यूशन्स भी कंडक्ट करते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इवन अभी व्लॉग्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया, तो ये सब कैसे मैनेज करते हो। तो मैं उस बारे में आपको आज जो भी मेरे राज है वो रिवील करने वाली हूँ। मैं अभी आटा गूंध रही हूँ, तो चलिए गूंधे गूंधे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने जैसे तैसे करके कैमरा यहाँ पे फिट कर दिया है, जो भी मैं मसाले रखती हूँ वहाँ पे मैंने फिट कर रखा है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स भी हैं जो मुझे पूछते रहते हैं कि इवन तो इतना बिजी होने के बावजूद भी व्लॉग्स कैसे बनाते हो, क्योंकि अभी मैं व्लॉग्स बना रही हूँ इसीलिए ये सब टिप्स इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा सब नहीं है। तो पहली टिप मेरी आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत यूजफुल और हर एक मतलब लड़की या हाउसवाइफ हो गई जो ऑफिस वर्किंग वुमेन है जो परेशान रहती है वो है बर्तन। मेन थिंग है बर्तन, मतलब बर्तन को देखते ही चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। सवेरे उठो तो हम सोचते हैं कि बर्तन धोने हैं बर्तन धोने हैं, इसी में मतलब एक दो घंटे इसी में निकल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टिप आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूंगी, आप जब भी खाना बनाए तो ट्राई कीजिएगा कि तब का तब जो भी आपके पास बर्तन जो भी यूज़ हुए हैं वो आप तब का तब भी वॉश कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अब हम खाना बनाते हैं उसके बर्तन पड़ते हैं, उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं उसके बर्तन पड़ते हैं, और बाई चांस अब मॉर्निंग में किसी को चाय पीने का मन कर दिया तो उसके बर्तन, ऐसे करते करते आपकी पूरी सिंक जो है खूब भर जाती है। फिर आपको स्पेशली उसी के लिए एक घंटा मिनिमम निकालना मैक्सिमम निकालना पड़ता ही है बनाने के मतलब वॉश करने के लिए। तो आप ट्राई कीजिएगा कि हर हमेशा जब भी आप जो भी इवन एक ग्लास भी अगर आपके पास आप यूज़ कर रहे हैं तो तब का तब ही आप उसे वॉश करके जो जगह पे है आप वहाँ पे रख दीजिए। इससे क्या है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और एक टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ, जितना भी टाइम इवन नाइट में भी जितना भी टाइम हो जाए, ठीक है, तो आप अपना किचन पूरा साफ़ करके सोइए। देखिए आपको अगर सवेरे एक क्लीन किचन अगर आपको मिलेगा तो बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, नहीं तो मॉर्निंग से ही वो स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ अभी तो किचन क्लीन करना है बर्तन साफ़ करना है, ऐसे करते करते ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये रही पहली टिप जो मैं हर हमेशा करती हूँ, जो भी मैं मतलब यूज़ करती हूँ तब का तभी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। इससे एक काम क्या होता है, मेरा टाइम बर्तन धोने का वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कपड़े वॉश करना। तो आपको हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही मतलब ड्रेस है ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा ड्रेसेस जमा लेते हैं,
करके आपके बहुत ज्यादा कपड़े जम जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी एक या दो ड्रेसेस बन जाए आपके हस्बैंड के या बच्चों के, तो ट्राई कीजिएगा कि तब का तब आपको इसे धो दे, ठीक है। तो मेरी वॉइस थोड़ी दूर से आ रही होगी। तो ये थी सेकेंड टिप। आप ये छोटी छोटी टिप्स अपना के देखिए गाइज, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी। तो ऐसे मैं अपना काम क्या करती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कम करती हूँ अपने हाथ पे। देखिए एट द एंड क्या होता है, हमें ही सब कुछ करना है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरा आकर करके देगा, एट द एंड हमें ही करना। तो कुकिंग करते करते ही मैं आप सबको और भी टिप्स देते रहूँगी गाइस। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधी के जी भिंडी। तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों को भिंडी खाना पसंद नहीं होता। आप एक बार ऐसे बना के ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इवन तो मेरे हस्बैंड भी भिंडी नहीं खाते, अभी भी जो हम साले में जो भी बना के भिंडी डालते हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। तो ऐसे ये मैंने बनाने के बाद इनको देखा कि मतलब बहुत मन से बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है। मैं दोनों के लिए बना रही हूँ ये, अभी हम डिनर में खाएंगे, फिर मॉर्निंग थोड़ी अगर बचेगी तो मॉर्निंग खाएंगे, बस इतना ही, इतना फटाक से ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं हर हमेशा सिंपल मतलब सोचती हूँ कि जितना आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करें उतना ही और डिलीशियस फूड बनता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर ज़्यादा मतलब तो आप भर देंगे चीज़ें तो आप कभी भी अच्छा नहीं बनेगा वो चीज़। तो आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पैन में 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ऑयल यहाँ पे मैंने भिंडी फ्राई करने के लिए डाल रखा है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आप जब भी भिंडी वॉश करके ही काटे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी कि ऐसे ही मतलब भिंडी ऐसे ही डालनी है या काट के डालनी है। तो जैसे तैसे करके मैं बना रही हूँ, प्लीज़ मतलब ऐसा मत समझिए मैं एक हाथ से होल्ड करके एक हाथ से डाल रही हूँ। तो वीडियो एंजॉय कीजिए, इंटेंशन पे जाइए, जो भी क्वालिटी है जो भी जैसे भी बना रही हूँ वो मत देखिए। तो जहाँ तक भिंडी काटने की बात आई, तो मैं इसमें एक टिप आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भिंडी काट रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि 3 से 4 भिंडी आप एक ही साथ काटें। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फटाक से 10-15 मिनट्स इसे फ्राई करने वाली हूँ। आप सालन बनाए या जो भी बनाए, तो भिंडी को 2-3 मिनट अच्छे से पकाने के बाद मैंने सेम वही प्लेट में निकाल लिया है। भिंडियों को जलाइएगा मत, सिर्फ उसे मतलब पकाना है, जलाना नहीं है। देखिए इसे ये थोड़ा सा भी जले नहीं है, लेकिन अच्छे से 2-3 मिनट मैंने इसे कुक कर दिया है। मीन वाइल मैं जब वो कुक हो रहे थे तो मैंने यहाँ अपना आटा भी गूंथ लिया है इतने टाइम में। ट्राई कीजिएगा कि 1 से 2-3 काम आपके एट अ टाइम हो जाए। अगर आप कुछ बना रही है तो ट्राई कीजिएगा कि साथ ही साथ राइस बनाना है तो राइस बना लीजिए, या आप चटनी के साथ कुछ और सालन बनाने वाली है तो वो बना लीजिए। ऐसे आप ऐसे करके बहुत ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकती है, ठीक है। तो बनाते मतलब आपके हाथ में है टोटली, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि करना हमें खुद ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेट लिया वो डाल दिया फिर वो लिया उसमें डाल दिया, ऐसे मत कीजिए। जो वहाँ पे है ऑलरेडी तो उसी में ट्राई कीजिए, कम से कम इस्तेमाल हो बर्तन भी और धोने में भी आपको परेशानी ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेट यूज़ की थी, वैसे ही सेम पैन में मैंने और थोड़ा 1 या 2 स्पून जितना मैंने ऑयल डाल के ऑलरेडी पकने के लिए रख दिया है, तो इसमें मैं अभी मिला रही हूँ ऑनियन। मैंने यहाँ एक ऑनियन लिया है, आप चाहे तो आपकी मर्जी से ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकती है। मैं बहुत ही कम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि जितना ये बीच बीच में आपको मिलता रहेगा उतना अच्छा नहीं लगेगा। इनमें तो से ये ऑनियन और टमाटर ज़्यादा हो जाएंगे तो भिंडी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा कि। तो ट्राई कीजिए सिंपल ही रखें, इवन ऑनियन को भी आपको सिर्फ पकाना है, ठीक है। ब्राउन डार्क ब्राउन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो बीच बीच में आप अच्छे से हिलाते रहिए, मैं इसे 2 मिनट ऐसे ही बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ऑनियन 2 मिनट जब पकने के बाद मैंने इसमें डाली थी 1/2 टेबल स्पून जितनी जीरा, और मैंने 1/2 टेबल स्पून
जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए मैं मतलब ऐसे ही दाल डाल के आपको फिर बता रही हूँ, क्योंकि उसके बॉटल्स में मैंने जो स्टोर करके रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और धनिया डाल लिया है। थोड़ी जैसे कि बोल रही हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, मैं डेफिनेटली फिर से सारी रेसिपी और जैसे भी तरीका जो भी बनाते हैं वैसे वो पूरा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पे एक 5 मिनट, जब तक टमाटर अच्छे से नरम ना हो जाए तब तक आप इसे ऐसे ही मतलब पकाते रहिए, ठीक है। टमाटर अच्छे से पक रहे हैं गैस, अगर आपको और जल्दी आपके टमाटर जो है नरम हो जाए पक जाए ऐसे चाहिए तो आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक। सॉल्ट से क्या होता है टमाटर जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्टीपन के साथ साथ पानी भी रहता है सॉल्ट में, इसलिए हमारे टमाटर और जल्दी मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी नमक डाल के छोड़ रही हूँ, स्पाइसेस मैं थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। इसमें टमाटर थोड़ा मैश हो गए हैं गाइस, उसके साथ ही साथ मैंने जल्दी से यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने स्पाइसेस निकाल लिए, तो गरम मसाला, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी लिया मैंने। ट्राई कीजिएगा कि मिर्ची थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि आप जब भी ऐसे ड्राई चीज़ें बनाते हैं तो मतलब इसे ज़्यादा नहीं लगता है, मिर्ची तो ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को मेरा किचन भी अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो पकड़ने के लिए मैं मतलब दिखावा कर रही हूँ या बोल रही हूँ, मैं इतना ही क्लीन हर हमेशा रखती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स या फैमिली वाले देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा मैं कैसे रखती हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइए एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस बोल ही सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कुछ और तो नहीं कर सकते। देन इसके बाद इतना बनने के बाद आपको क्या करना है, भिंडी जो आपने फ्राई करके रखी है वो आपको इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो भिंडी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है गाइस, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये मैगी मसाला जो 5 रुपीज़ का जो मिलता है वो आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, वरना ये बिल्कुल भी ऑप्शनेबल है। ये मैं पूरा जो सैशे होता है ये मैं पूरा डाल रही हूँ, इससे थोड़ा टेस्ट टैंगी हो जाता है और स्वाद चेंज हो जाता है। बस इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ पसंद नहीं मतलब इसमें समझ नहीं आया तो ज़रूर से मुझे कमेंट में पूछिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। बाय बाय, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको और भी ऐसे किचन टिप्स चाहिए या फूड में जो भी हेल्प करे चीज़ें जिससे कि आपकी कुकिंग बहुत जल्दी हो जाए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए, मैं मेरे पास और भी ज़्यादा टिप्स हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ तो आप सबके साथ मैं वो शेयर करूँगी। तो भिंडी बनाने के बाद आपको इसे मीडियम फ्लेम पे आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट से पकने दीजिए, ये मतलब वो क्वांटिटी में हाफ हो जाएंगे, पूरे कम हो जाएंगे, तब तक इसे अच्छे से पकाइए, जलाइएगा मत, बीच बीच में आप चेक करती है। बस इतना ही गाइस, बाय बाय।